सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है जिसका पिन अभी तक आपने जनरेट नहीं किया है तो कैसे आप उसका पिन घर बैठे जनरेट कर सकते हो अपने मोबाइल से। या दोस्तों अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है और आपने उसका डेबिट कार्ड अप्लाई किया है या फिर उसका डेबिट कार्ड आपके घर पर आ चुका है तो कैसे आप उसका पिन घर बैठे जनरेट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि पिन जनरेट करने के लिए दोस्तों हमें उसी ATM में जाना पड़ता है जिस बैंक में हमारा अकाउंट है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से ही कैसे उसका पिन जनरेट कर लोगे घर बैठे ही सिर्फ 4 या 5 मिनट के अंदर। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों का जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का ATM उनके घर के आसपास नहीं होता तो उन्हें पिन जनरेट करने के टाइम काफ़ी दिक्कत आती है। क्योंकि दोस्तों हम पैसे किसी भी ATM से निकाल सकते हैं लेकिन जब पिन जनरेट करने की बात आती है तो हमें उसी बैंक का ATM चाहिए होता है जिस बैंक में हमारा अकाउंट होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से ही कैसे अपने डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हो अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें जिससे आपको समझ में आ सके कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं और क्या तरीका अपनाना है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मैं कोई और वीडियो इस टॉपिक पर यूट्यूब पर डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यह है मेरा डेबिट कार्ड जो कुछ ही दिन पहले मेरे पास आया है। आज मैं आपके सामने इसकी पिन जनरेट करके दिखाऊंगा अपने मोबाइल से ही। तो जिस तरीके दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा सेम आप उसी तरीके से अपने डेबिट कार्ड के पिन जनरेट कर सकते हो अपने मोबाइल से घर बैठे। तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में HDFC बैंक नेट बैंकिंग सर्च करना है। जब आप उसे सर्च करोगे तो इस तरह के पेज पर आया होगा। यहाँ अगर दोस्तों सबसे पहले आपको अपने कस्टमर आईडी डालनी है और कंटिन्यू करना है। कस्टमर आईडी दोस्तों क्या होती है, ये आपकी जो पासबुक होती है उस पर लिखा होता है, यूर आईडी वही कस्टमर आईडी होती है। तो आपको यहाँ पर कस्टमर डालनी है और कंटिन्यू करना है। चलिए मैं डालता हूँ और कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने कस्टमर आईडी डाल दी है। अब जो मुझसे उसका पासवर्ड पूछ रहा है तो अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। दोस्तों जब आप इसमें पासवर्ड डाल दोगे और कस्टमर आईडी भी डाल दोगे तो यहाँ पर जो बॉक्स आ रहा है दोस्तों जिसमें लिखा हुआ है प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस इमेज, इस बॉक्स को आपको चेक कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप लॉगिन पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें अपना कार्ड का जो पिन है वो जनरेट करना है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए आपको इस कार्ड पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे जैसे कार्ड पर आप क्लिक करोगे तो हमें डेबिट कार्ड के बारे में जानना है। तो जैसे आप देख रहे हो डेबिट कार्ड के काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपने डेबिट कार्ड का स्टेटस दिखाता हूँ कि हमारा कोई कार्ड एक्टिव है कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब कोई हमारा कार्ड एक्टिव होगा तभी हम उसका पिन जनरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मेरा एक कार्ड एक्टिव है जिसका ये नंबर दिखाया जा रहा है आपको और ये एक्टिव है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि काफ़ी लोगों का सवाल है कि HDFC बैंक का डेबिट कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आप HDFC बैंक का डेबिट कार्ड तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास HDFC बैंक का पहले से कोई डेबिट कार्ड हो और वो टूट चुका हो या खो चुका हो। अगर आपके पास पहले से कोई कार्ड एक्टिव है तो इस कंडीशन में आप कोई भी कार्ड यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कार्ड अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको जो आपका पहले से कार्ड चल रहा है उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दूसरा कार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पिन जनरेट की, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा रिक्वेस्ट का, आपको रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। अब सबसे ऊपर दोस्तों ये दूसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है डेबिट कार्ड होस्टलिंग, उसके नीचे आ रहा है इंस्टेंट पिन जनरेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे ऊपर पूछ रहा है कि आप अपना डेबिट कार्ड सेलेक्ट करो। तो मेरे पास दोस्तों एक ही डेबिट कार्ड यहाँ पर हो रहा है तो मैं उसे सेलेक्ट करता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अपने पसंद के कोई 4 डिजिट पिन डालने हैं, जैसा कि हमारे डेबिट कार्ड में जो 4 नंबर के पिन होते हैं जो अपनी मर्जी से डालते हैं, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर डालने हैं। तो मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आपको जो ऊपर
दो बॉक्स आ रहे हैं पिन डालने के लिए, इंटर फोर डिजिट पिन, उसके बाद री इंटर फोर डिजिट पिन। तो दोस्तों आपको दोनों में सेम डालना है, तो मैं डालता हूँ और फिर कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों मैं अपना इसे कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैं इसे कंटिन्यू किया, ये मुझसे कन्फर्म के लिए बोल रहा है, तो मैं इसे कन्फर्म कर देता हूँ। तो दोस्तों अब हमारे पास ये मोबाइल नंबर का बॉक्स आ रहा है, इसको हमें क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है, क्योंकि दोस्तों हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP हमें आगे बॉक्स में जाकर फिल करना है, उसके बाद ही हमारा पिन जनरेट हो पाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं अपने यहाँ पे बॉक्स को क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे OTP का ऑप्शन आ रहा है कि हमें इसमें अपना OTP डालना है, तो मेरे फ़ोन पर OTP आने वाला है और मैं इसमें डालता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो मेरे फ़ोन पर OTP आ चुका है, मैं इसे इसमें फिल करता हूँ। अब दोस्तों OTP में डाल दिया, मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पास बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है, मेरे फ़ोन पे भी आ चुका है और यहाँ पे भी दोस्तों सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, आप देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस, द पिन और डेबिट कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज, यानी कि हमारा जो डेबिट कार्ड का पिन था वो हमने सक्सेसफुली जनरेट कर दिया है, अब हम इस कार्ड को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास भी कोई HDFC बैंक का नया डेबिट कार्ड आया है और आपने अभी तक उसकी पिन जनरेट नहीं की है, तो आप इसी तरीके को फॉलो करके अपने डेबिट कार्ड की पिन को जनरेट कर सकते हो। आपको किसी भी ATM में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको किसी बैंक में जाने की जरूरत पड़ेगी, और दोस्तों ना ही आपको किसी कस्टमर केयर से बात करने की जरूरत पड़ेगी। आप अपने मोबाइल से ही 4 या 5 मिनट में अपने डेबिट कार्ड की पिन को जनरेट कर सकते हो, सेम यही तरीका अपना कर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आप 2020 के अंदर अपने डेबिट कार्ड का पिन कैसे जनरेट कर सकते हो अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।